फ्रेंड्स, अकाउंट बैलेंस जानने का बहुत सारा तरीका शायद आपको पता होगा, शायद आपको पता नहीं भी होगा। तो अगर आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐप के बारे में। अगर इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको किसी भी बैंक में अगर अकाउंट है तो चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इस ऐप से कोई भी बैंक का अकाउंट बैलेंस जान सकते हैं। अगर आप इस ऐप को एक बार डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगा बैलेंस जानने के लिए। तो क्या है इस ऐप, कैसे आप इसको यूज कर पाएंगे, सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं रेगुलर बेसिस में बैंकिंग से रिलेटेड ऐसा ही आपको वीडियो में बना के देता हूँ जो कि आपके ही कुछ ना कुछ काम में आता है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंक किसी भी बैंक का बैलेंस जानने के लिए जो ऐप है उस ऐप को पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे प्ले स्टोर में आया, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ऑल बैंक बैलेंस चेक। तो यहाँ पे जैसे सर्च किया, देखिए बहुत सारा ऐप इसमें आ गया। तो थर्ड नंबर में जो ऐप है चेक बैलेंस बोल के, उसको आपको क्लिक कर लेना है और उसको डाउनलोड भी कर लेना है। तो उसके बाद देखिए, मेरा पहले से डाउनलोड किया हुआ है, मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा। देखिए, जैसे ही ओपन में क्लिक किया, यहाँ पे जो भी बैंक है इंडिया में, जो भी बैंक अवेलेबल है सबका लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, पहले स्टेट बैंक है इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक, सारा यहाँ पे आपको, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, प्राइवेट बैंक जो भी है, नेशनलाइज बैंक, सारा यहाँ पे है आपको। देखिए, येस बैंक भी यहाँ पे है। तो आपका जो जिस बैंक में भी अकाउंट है उस बैंक का नेम शायद यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए मेरा अकाउंट यहाँ पे स्टेट बैंक में है, तो आपको स्टेट बैंक का जो अकाउंट है उसमें कैसे बैलेंस चेक कर सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं स्टेट बैंक में क्लिक कर दिया और उसके बाद सबसे ऊपर जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो चेक बैलेंस है। सिंपली आपको चेक बैलेंस में क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे ही चेक बैलेंस में क्लिक किया, यहाँ पर पहला ऑप्शन है चेक बैंक बैलेंस गेट मिनी स्टेटमेंट। तो आप अगर बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो चेक बैंक बैलेंस में आप क्लिक करिए। देखिए, जैसे ही क्लिक आप करेंगे, इस टाइप का एक आपका कॉल जाएगा एक नंबर पे, ये बैंक का ही नंबर है, इसमें कॉल जाएगा और कॉल जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको डिसकनेक्ट कर देना है। जैसे ही डिसकनेक्ट मैं कर दिया, देखिए मेरे पास एक मैसेज भी आ गया है, इस मैसेज को मैं ओपन कर लूँगा। देखिए, मैसेज यहाँ पे ओपन कर लिया और मेरा जो बैंक बैलेंस है, देखिए 25 अप्रैल 2020 आज का ये डेट है और मेरा जो बैलेंस है वो 81 रुपीज़ 46 पैसा है। तो यहाँ पे आ गया मेरा बैलेंस। तो सिंपली आप बैक कर दीजिए। मैं आपको और भी एक बैंक का अकाउंट बैलेंस चेक करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया होम पेज में, फिर मैं आपको दिखाऊंगा और एक बैंक का अकाउंट बैलेंस चेक करके। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा इंडिया पोस्ट, क्योंकि मेरा इंडियन पोस्ट में एक अकाउंट है, इंडिया पोस्ट। देखिए, जैसे ही लिखा है यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आ गया है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और फिर देखिए चेक बैलेंस में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। फिर दोबारा उसी तरह का और एक स्क्रीन आएगा यहाँ पे, चेक बैलेंस चेक मिनी स्टेटमेंट। तो सिंपली मैं यहाँ पे चेक बैलेंस में क्लिक कर दूंगा। जैसे ही चेक बैलेंस में क्लिक किया, देखिए और एक नंबर पर यहाँ पे कॉल जा रहा है, ये बैंक का ही ऑफिशियल नंबर है जिसमें कॉल जाएगा। देखिए, यहाँ पे कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है और मेरे पास जो है बैंक के तरफ से एक मैसेज भी आ जाएगा जिसमें मेरा बैलेंस वगैरह दिखाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैसेज आ गया है इंडियन पोस्ट की तरफ से, देखिए अवेलेबल बैलेंस इन योर अकाउंट 25 अप्रैल 2020 0 है, यानी इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक की तरफ से भी मुझे मैसेज आ गया है और मेरा जो अकाउंट बैलेंस है वो 0 है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाया कि दो अलग अलग बैंक का कि कैसे ये काम करता है ऐप। अगर आपका किसी भी बैंक का अकाउंट है तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं। इसमें अगर आप एक बार डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके लिए जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो भी ज़रूरत नहीं होगा, आप इंटरनेट बिना ही इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इसमें मैं आपको बताया कि किसी भी बैंक का अगर अकाउंट आपका है तो उस अकाउंट का बैलेंस आप कैसे आपका मोबाइल से आप चेक कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और आपका फ्रेंड्स फैमिली जो भी है उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस फैसिलिटीज के बारे में पता चले। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।